निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट की अनडिसगाइज्ड इमेजेस हो चुके हैं लीक एंड आज की इस वीडियो में उसी के बारे में सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसका भी टीजर भी आया था कुछ टाइम पहले जिसमें हमें इसका थोड़ा बहुत सिलुएट सा नज़र आया था, देन इसके इंटीरियर को भी टीज कर दिया था। उसमें हमें नई अपोस्टरी देखने को मिल रही है जो कि पहले लग रही थी टैन एंड ब्लैक इंटीरियर अपोस्टरी, बट ऐसा नहीं है। उसके बारे में मैं भी आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले अगर हम बात करें लीक्ड इमेजेस की, तो आप देख सकते हैं रेयर की जो टेल लाइट्स रहेंगी उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा रहने वाला है। रेयर टेल लाइट्स का आपको क्लियर सी टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी विद LED फिनिश इनसाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। काफ़ी अच्छी सी लुक हमें ओवरऑल देखने को मिलेगी एंड ये नया ऑरेंज कलर हमें इस व्हीकल में ऑफर करा जाएगा। ओवरऑल बम्पर जो है रेयर वाइज सिमिलर रहता है, मैग्नाइट की बैजिंग देखने को मिल जाती है रेयर बूट पे, निसान की बैजिंग रेयर वाइपर देखने को मिल जाता है आपको। ओवरऑल कुछ ये रहती है रेयर प्रोफाइल की लुक। अब अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, फ्रंट प्रोफाइल में आपको मेजर चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मोक आपको जो है हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, क्रोम का काफ़ी यूज़ आपको फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल जाता है व्हीकल की, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके डेटा मिररिंग लाइट्स की जो शेप है उसमें भी आपको आउटर केसिंग जो है उसकी क्रोम में देखने मिलती है। इसकी जो ग्रिल है मैसिव सी कर दी गई है, उसमें आपको डार्क क्रोम का भी फिनिश देखने को मिल जाता है एंड ओवरऑल क्रोम का भी फिनिश देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक मैसिव सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, हेक्सागोनल शेप में आपको मैसिव से बिट्स देखने को मिल जाते हैं बीच में एंड ओवरऑल सिल्वर स्किड प्लेट फिनिश भी देखने को मिल जाता है एंड नीचे की तरफ ही आपको फॉग लैम्प्स जो है इस व्हीकल में ऑफर करे जाएंगे। अलॉय व्हील्स का भी डिज़ाइन जो है नया देखने को मिलेगा इस व्हीकल में एंड ये वही डिज़ाइन है जो कि हमें ARAI में भी टेस्ट होते हुए नज़र आया था अभी कुछ महीनों पहले। उस टाइम तो ये वाइट कलर में स्पाई करी गई थी, बट नाउ वी हैव मोर क्लियरर स्पाई शॉट्स। अब बात करें इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर भी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें हमें टैन एंड ब्लैक इंटीरियर नहीं बट ऑरेंज एंड ब्लैक इंटीरियर अपोस्टरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इंटीरियर सेम रहता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिशेस देखने को मिल जाएंगे ओवरऑल इंटीरियर में, सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिल सकती है, बाकी फीचर लिस्ट वाइज तो सेम ही रहेगी एज कम्पेयर टू द करंट प्री फेसलिफ्ट वर्जन एंड इंजन वाइज भी सेम ही रहेगी। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 71 BHP एट 96 Nm ऑफ टॉर्क एंड 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो प्रोड्यूस करता है 99 BHP एट 160 Nm ऑफ पीक टॉर्क। तो ये थी कुछ डिटेल्स ऑन द निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट जिसकी इमेजेस लीक हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।